प्लस मुस्लिम हो गया, अन्य कास्ट के लिए क्या करेंगे आप? जैसे सवर्ण है, सवर्ण के लिए कोई नहीं कहता है। जातिगत समीकरण बीएसपी भी लेके चलती है, सापा भी लेके चलती है, लेकिन जो हाई कास्ट है उनको छोड़ दिया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं तो मेरा मुद्दा ही है कि धर्म मजहबी पाबंदी लगा के मुझे रोका गया, यदि धर्म हट जाएगा तो सबको मिलने लगेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर है। क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो जिस लेवल का है उसको उसी हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए? देखिए, चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंजाबी हो, अगर उसको उसके हिसाब से योग्यता है तो उसको मिलनी चाहिए। आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, आरक्षण बहुत एक जरूरी चीज़ ये है कि जो आदमी कमज़ोर है उसको रिजर्वेशन के द्वारा उसके उत्थान का सबसे बेहतर रास्ता रहा है। और आज देखिए 1950 के बाद, आज़ादी के बाद जिस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया था बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, आज दलितों का उत्थान उससे होता है। नहीं तो सिद्दीकी साहब, क्या धर्म के अनुसार रहेगा ये? धर्म के आधार पर तो हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि मजहबी पाबंदी हटा।